सरकार एक बार फिर आपके लिए सस्ता सोना खरीदने का मौका दे रही है। इस साल आपके लिए ये आखिरी मौका होगा। सरकार द्वारा जारी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का सब्सक्रिप्शन 31 अगस्त से लेकर 4 सितंबर के बीच लिया जा सकता है। बता दें कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स में निवेशक को फिजिकल रूप से सोना नहीं मिलता, लेकिन ये फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। जानें सॉवरेन बॉन्ड से जुड़ी 10 महत्वपूर्ण बातें। मोदी सरकार छठी और इस साल आखिरी बार गोल्ड बॉन्ड लेकर आ रही है, वो भी तब जब घरेलू कीमतें नई ऊंचाई पर पहुंच रही हैं। 56,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से ऊपर पहुंचकर रिकॉर्ड बना चुका सोना पिछले कई दिनों से नीचे की ओर जा रहा है। इसके बावजूद विशेषज्ञों का मानना है कि दिवाली तक ये 64,000 से 82,000 रुपए तक पहुंच सकता है। सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाते हैं। भौतिक सोने की मांग को कम करने और वित्तीय बचत में घरेलू बचत के एक हिस्से को स्थानांतरित करने के उद्देश्य से 2015 में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना शुरू की गई थी। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन द्वारा 999 शुद्धता वाले सोने के लिए लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस के आधार पर सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स का निर्गम मूल्य तय किया जाता है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम में एक वित्तीय वर्ष में एक व्यक्ति अधिकतम 500 ग्राम सोने के बॉन्ड खरीद सकता है, वहीं न्यूनतम निवेश 1 ग्राम का होना जरूरी है। 31 अगस्त से 4 सितंबर के बीच सोने की बॉन्ड की इस किश्त की जारी करने की तारीख तय की गई है। बॉन्ड जारी होने के पखवाड़े के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों पर तरलता के अधीन हो जाते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी RBI ने अप्रैल में घोषणा की थी कि सरकार सितंबर तक 6 ट्रेंच में सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी करेगी। इसकी सबसे खास बात होती है कि निवेशक को सोने के भाव बढ़ने का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही उन्हें इन्वेस्टमेंट रकम पर 2.5% का गारंटीड फिक्स्ड इंटरेस्ट भी मिलता है। इन बॉन्ड्स की अवधि 8 साल की होती है और 5वें साल के बाद ही प्रीमेच्योर विड्रॉल किया जा सकता है। इस पर 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, लेकिन मैच्योरिटी तक रखने पर कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। वही लोन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। किस भाव पर मिलेगा सोना? भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इस बार स्वर्ण बॉन्ड की कीमत 5,117 रुपए प्रति ग्राम रखी गई है। मौजूदा श्रृंखला के लिए ये गणना 26 अगस्त से 28 अगस्त 2020 के औसत बंद भाव पर 5,117 रुपए प्रति ग्राम की गई है। स्वर्ण बॉन्ड की खरीद के लिए डिजिटल भुगतान करने पर प्रति ग्राम 50 रुपए की छूट मिलेगी। ऐसे निवेशकों के लिए बॉन्ड की कीमत 5,067 रुपए प्रति ग्राम होगी। कहां और कैसे मिलेगी? स्कीम में निवेश करने पर आप टैक्स बचा सकते हैं। बॉन्ड को ट्रस्टी व्यक्तियों, HUF, ट्रस्ट विश्वविद्यालयों और धर्मार्थ संस्थान को बिक्री के लिए प्रतिबंधित किया जाएगा। वहीं ग्राहकी की अधिकतम सीमा 4 किलोग्राम प्रति व्यक्ति, HUF के लिए 4 किलोग्राम और ट्रस्टों के लिए 20 किलोग्राम और प्रति वित्तीय वर्ष समान होगी। वहीं ऑनलाइन खरीदने पर इस पर 50 रुपए प्रति ग्राम या 500 रुपए प्रति 10 ग्राम की छूट मिलेगी। SGB को बैंकों, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नामित डाकघरों और मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजेस के माध्यम से बेचा जाएगा। क्या है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के निवेशकों को फिजिकल रूप में सोना नहीं मिलता, ये फिजिकल गोल्ड की तुलना में अधिक सुरक्षित है। जहां तक शुद्धता की बात है तो इलेक्ट्रॉनिक रूप में होने के कारण इसकी शुद्धता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस पर 3 साल के बाद लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, वहीं इसका लोन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। अगर बात रिडेम्पशन की करें तो 5 साल के बाद कभी भी इसको भुना सकते हैं। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।